जैसा कि आप देख पाएंगे आज होंडा साइन, ये देखिए होंडा साइन यहाँ पर लिखा हुआ है। ये देखिए ये होंडा साइन बाइक है। आज हम लोग क्या करने वाले हैं इसमें, ये सिंगल हॉर्न है, ये सिंगल हॉर्न खराब बज रहा है, मतलब बहुत ही लाउडली नहीं बज रहा। ये देखिए ये एकदम मतलब बेकार हो चुका है। तो क्या करने वाले हैं, दो हॉर्न और रिले लगाने वाले हैं जिससे कि बैटरी पे कोई असर ना पड़े। तो सबसे पहले रिले लगाने के लिए क्या करना होगा ये भी जान लीजिए, और हॉर्न लगाने के लिए क्या करना। आप देख पाएंगे ये रिले है, ये 4 पिन रिले है, और इसको इंस्टॉल करना बहुत ही आसान है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है इस वीडियो को देख करके। और इसमें आप देख पाएंगे ये वायर आपको दुकान पर मिल जाएगी, इसमें टू टू हॉर्न जॉइंट वायर बोलते हैं इसको, टू हॉर्न जॉइंट वायर। और ये एक हॉर्न जो मेरे पास पहले से पड़ा था, अब हम लोग इसको इंस्टॉल करने वाले हैं। ये भी बहुत ही अच्छा बूशर का हॉर्न है और ये बहुत ही लाउडली बजेगा, आप देख लीजिएगा जाए वीडियो में। और अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, ये जो पैनल है इधर आपका 125 सीसी लिखा हुआ है, ये पैनल हटाना होगा। और जैसे ही हटाते तो आपको बैटरी के पास कनेक्शन मिल जाते हैं, बैटरी को देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको फ्यूज व्यूज लगा रहता है, जैसे ही अगर कोई दिक्कत होती है फ्यूज में तो आप यहाँ से खोल के चेंज कर पाएंगे, लेकिन अभी हम लोग को फ्यूज नहीं चेंज करना है। यहाँ से क्या करना होगा, ये जो बोल्ड लगा हुआ है इसको खोल करके यहाँ से एक प्लस पॉइंट निकालना है, जो कि आप यहाँ पर देख पाएंगे लिखा हुआ है प्लस पॉइंट, यहाँ पर ये प्लस पॉइंट निकालना होगा। तो सर चलिए खोल लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ से हमने एक वायर को ज्वाइंट कर लिया है अच्छी तरीके से, और ये इसका जो दूसरा सिरा है यहाँ पर, ये देखिए ये पूरा वायर एक सीरीज में जुड़ा हुआ है। और हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको टंकी के नीचे से गुजारने वाले हैं, टंकी के नीचे से गुजारने। ये मैंने वायर टंकी के नीचे से निकाल लिया और पूरी अच्छी तरीके से आप देख पाएंगे, जहाँ से मर्जी हो आप वहाँ से निकालिए, केवल ये जो इंजन है इसमें हीट होता है, इस वजह से यहाँ पर वायर ना लगाएं क्योंकि वायर जलने की संभावना रह सकती है। अब क्या करना होगा, अभी आपको रिले हाथ में लेना है और रिले के कनेक्शन देखने हैं। तो कनेक्शन देखिए रिले के, तो सबसे पहले क्या करना होगा, ये जो वायर आ रही थी ये आपको इसमें लगाना है, ये जो देख रहे होंगे रिले में प्लस पॉइंट, और जो दूसरा हॉर्न है अब आपको दूसरा हॉर्न उठाना है, और यहाँ से आप जो हॉर्न की क्लिपें हैं ये दोनों पहले निकाल लीजिए, कमांड क्लिपें हैं, मतलब ये जो हॉर्न का जो यहाँ पर स्विच लगा हुआ है इसकी क्लिपें हैं, ये यहाँ पर निकली हुई हैं आकर के, इनको आप निकाल लेंगे ये देखिए, और कहाँ पे लगाना है ये भी अच्छी तरीके से ध्यान से देख लें। ये देखिए ये दोनों फेस हैं, कमांड क्लिपें लगानी है इसमें। और अभी हम लोग दूसरा हॉर्न इंस्टॉल करने वाले हैं, तो दूसरा हॉर्न कैसे इंस्टॉल करेंगे ये भी आप देख लीजिए, ये जो क्लिप आपको मैंने दिखाई है इसको इनसे इंस्टॉल कर लेंगे, एक पहली क्लिप लगा लेंगे और ये दूसरी क्लिप लगा लेंगे। और अभी इन दोनों से जो क्लिपें निकली हैं वो एक दूसरे वाले हॉर्न में लगा लेंगे और एक दूसरे वाले हॉर्न में, और अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें आपको दो वायर देखने को मिल जाते हैं जो कि हॉर्न की तरफ से आ रहे हैं। तो ये सीरीज वाली जो वायर थी इसमें से दो वायर निकले हैं, ये रेड एंड ब्लैक। और अब हम लोग क्या करने वाले हैं, एक को ग्राउंड करने वाले हैं, जो कि कहीं पर भी आप जैसे कि इस बोल्ट में अभी हम लोग टाइट कर देंगे ये देखें, और दूसरी वाली वो लगाइए, और जो एक रिले पिन बच रही थी उसमें हम लोग ये रेड वाली वायर लगा देंगे। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और पॉज करके भी वीडियो देख पाएंगे। तो अभी हम लोग इसको चेक करने वाले हैं, तो चलिए ऑन कर दिए गाड़ी। तो जैसा कि आपने देखा ये बूसर का हॉर्न बहुत ही अच्छा एंड लाउडली बज रहा है, ऐसे आप इंस्टॉल कर पाएंगे अपनी बाइक में रिले एंड टू हॉर्न। तो जी हाँ, आइए मैं फिर से एक बार आपको वायरिंग बता देता हूँ। ये जो मैंने बैटरी से लेकर के आए हैं वाला वायर है इसमें लगा दिया है, और ये जो हॉर्न की बटन के वायर हैं इसमें लगा दिया है, और ये एक हॉर्न का वायर है जो कि यहाँ पर जा रहा है आप देख पा रहे होंगे, और एक हॉर्न से निकलेगा वो कि ग्राउंड में जाएगा, मतलब आप ये ग्राउंड कहीं भी पूरी गाड़ी में माइनस पॉइंट होता है, आप कहीं पर भी इसको छुआ देंगे तो ये हॉर्न काम करने लगेगा। जैसा कि ये देखिए, अगर ये नहीं लगा रहेगा कहीं पर आपकी दिक्कत रहेगी तो हॉर्न ये जो रिले रहेगी वो ऐसे आवाज़ करेगी, सुन लीजिए।
ऐसे आवाज करेगी, और जैसे ही आप इसको ग्राउंड छुआ देंगे तो ये बजने लगेगा। सही से लगाना होगा इसको।